हेलो माय डियर लिब्रा, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कैसी है उनकी नेचर, कैसी है उस पर्सन की पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और वैसे भी मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं तो वो सब ज़रूर जाके चेक कीजिए, बहुत सारे डिटेल रीडिंग आपको मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन की नेचर, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत बिजी रहने वाले इंसान हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर, ठीक है। इतने बिजी कि आपको पसंद कर लिया हो, ठीक है, आप इनके क्रश बन गए हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपना ध्यान आपके ऊपर नहीं लगा पा रहे। ये रीडिंग टाइमलेस से सभी लोग देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस पर्सन के नेचर पर्सनैलिटी को देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि दूसरों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते होंगे, प्यार करते होंगे। इनके अंदर किसी को लेकर जलन नहीं होगी, जेलस की भावना नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ठीक है, ये इंसान स्पेशली आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में जो आपके सीक्रेट एडमायरर है उनके साथ आप उठोगे बैठोगे, आपको ऐसा पता चलेगा कि आप दोनों का मतलब टेस्ट, जो टेस्ट है खाने का हो या किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, ठीक है, या पसंद हो, वो सिमिलर है, एक जैसा है। तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है उनके साथ आपका एक म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल पैशन डेवलप्ड होने वाला है। अब देखिए, से एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप ड्रामेटिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना बड़ा ही टिट एंड टिट फॉर टैट वाला होता है ना सिचुएशन, एग्जैक्टली वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। वैसे तो आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, लेकिन अगर इनके साथ कोई रूड हो गया, अगर इनके साथ कोई बुरा व्यवहार करने लगा, तब आप देखोगे कि इनका गुस्सा कितना खतरनाक है। तो काफ़ी ड्रामेटिक एनर्जी भी है इस पर्सन की, ये बहुत बिजी रहते होंगे मतलब जीत हासिल करने में, ठीक है। इन्होंने जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ अपने लाइफ में हासिल किया हो और बहुत कुछ जीत लिया हो अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि आपकी क्रश ना हो, कोई ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देख लिया है सोशल मीडिया पे, ये वो जो भी है, लेकिन अभी बिजी है जिसकी वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहा है। अपने लाइफ में थोड़े से हुक्ड, थोड़े से मतलब कंफ्यूज्ड, परेशान या फंसे हुए से किसी काम में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो है आपके सीक्रेट एडमायरर अभी फ्री होकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर फीलिंग की बात की जाए तो ये डेफिनेटली आपको फील करते हैं, आपको पसंद करते हैं। इनके बारे में कुछ और भी मैं बताना चाहूँगी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रोमांस में, लव में, प्यार में बहुत ही ज़्यादा बिलीव है, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होना चाहिए जैसे आप हो, ठीक है। आपको देखकर इनको ऐसा फील होता होगा कि मुझे ऐसे ही कोई इंसान चाहिए था जो कि मुझे अप्रिशिएट करे, प्यार करे, रोमांस हो और ये चीज़ मतलब असर्टिव हो, लव हो, पैशन हो, हर एक चीज़ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो कि फ़र्स्ट मूव लेने वाले हैं। तो सीक्रेट एडमायरर ने आपको चाहा, आपको पसंद किया और बहुत ही जल्दी आपके तरफ, आपके करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ये इंसान आपके साथ लाके आपके हेयर से खेलना, ठीक है, सेंशुअल किस करना, ये सब आप दोनों के बीच में बहुत सारा होगा, प्यार वगैरह, ठीक है। और मुझे यहाँ पे थोड़े से कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं या पहले आप रिलेशनशिप में रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, न्यू पर्सन की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको हमेशा बेबी बेबी करके बोलना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्यूचर देख लेते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन, थिंकिंग। और देखिए, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट, ये कहना भी चाहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बिल्कुल थिंकिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। थॉट ऑफ यू नेवर लीव माई माइंड, तुम्हारा जो थिंकिंग है, तुम्हारा जो थाट्स है, वो मेरे दिमाग को छोड़ ही नहीं रहा, मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा, ठीक है। आपके सीक्रेट एडमायरर ये भी कहना चाहते हैं, नो मैटर वर आई गो, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा सोच, तुम्हारी बातें, हर एक चीज़ मुझे याद आ रही है। और कोई भी सॉन्ग मैं सुन रहा हूँ, द सॉन्ग्स आई एम हियरिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तुम्हारे बारे में ही याद दिला रही है। इट मेक्स मी
मोर वर्नेबल एंड थिंक अबाउट यू इवन मोर. यहाँ पे आपके पर्सन ये जितना आपको मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डूबते जा रहे हैं आपकी फीलिंग में और आपके बारे में सोचते जा रहे हैं. ठीक है, तो थिंकिंग की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके यस कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि अभी बिजी है, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अपने काम को करते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं. अगर इस पर्सन की थोड़ी सी और एनर्जी देखी जाए, जैसे लव लेटर देखा जाए क्या है इस पर्सन की तरफ से, तो मैं बता दूँ जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए. पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा. ओके, दो है. तो सबसे पहले आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई एम वर्नेबल टू सो माई डियर सेल्फ. हो सकता है ये पर्सन को आप जानते हो, कुछ लोगों के लिए जो भी है मतलब आपके ये पर्सन अपने आप को अपने रियल सेल्फ को दिखाने में थोड़ा सा डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसी वजह से स्टेप नहीं ले रहे हैं. आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स. ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में थे, ठीक है, अभी किसी कारण की वजह से दूर हो गए हो 3-4 साल से और अब ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में आना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, मैंने तुम्हें छोड़ कर किसी और को चूज़ कर लिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है. ये है थिंकिंग. तो मेरे और भी वीडियोज़ चेक ज़रूर कीजिए चैनल पर जाके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड ब्यूटीफुल है. सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी. बाय, टेक केयर.